दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को लेकर हाथों में प्लेकार्ड लिए मार्च करते हुए चल दिए उपराज्यपाल से मिलने। केजरीवाल का कहना है कि एलजी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे, तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी के पास स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेंगे एलजी, हाँ। तो उन्होंने दो बार लिखा को इसमें, दूसरा पैरा नंबर 275 में इसी आदेश में लिखा, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब जब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अभी हम अपने बच्चों के टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को हम फिनलैंड भेजना चाहते हैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, एलजी साहब ने फाइल पे मना कर दिया। एलजी साहब कौन होते हैं फाइल पे मना करने वाले? एलजी साहब को क्या तकलीफ है? दिल्ली के बच्चे हैं। वैसे तो इन दिनों बहुत से मुद्दों पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच इन दिनों खींचतान चल रही है, लेकिन सोमवार को खासतौर से दिल्ली के सरकारी स्कूल टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग के मामले को लेकर केजरीवाल सरकार ने एलजी को घेरने की कोशिश की। उपराज्यपाल को बताना पड़ेगा ना कि भाई वो टीचर्स की ट्रेनिंग के खिलाफ क्यों है। टीचर्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ट्रेनिंग दिलाना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, दिल्ली के टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो इसमें एलजी साहब को आपत्ति क्या है? 1000 टीचर्स की हम पहले भी ट्रेनिंग करा चुके हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है, लेकिन योजना की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने और विदेश की जगह देश में ही ट्रेनिंग कराने के विकल्प तलाशने की सलाह दी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि योजना रोकने के लिए ये सरकारी तरीके हैं, अगर ऐसा नहीं है तो लिख दें कि शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर उनको कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने खारिज तो नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में इन दिनों जिस तरह की गवर्नेंस चल रही है उसमें उपराज्यपाल की सलाह भी आदेश की तरह ही ली जाती है। इसलिए यह तय है कि जब तक उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं देंगे तब तक टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जा सकते। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।